हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रामिंग मोड। एक और नई वीडियो के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारी वेबसाइट में, हमारे ब्राउज़र में बहुत ही यूज़ हो रहा होता है कि हम पैराग्राफ को एक्सटेंड कैसे कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, तो अगर उसमें अगर पैराग्राफ काफ़ी लेंदी होता है, लार्ज होता है, तो क्या होता है, उसमें दो लाइन लिखी हुई होती हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ होता है, सी मोर। जब आप सी मोर पे क्लिक करते हैं तो क्या शो हो रहा होता है आपके पास, सी मोर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख लेते हैं आपका पैराग्राफ अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, और जितना भी उस पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है वो आपके पास शो हो जाता है, ऐसे ही नजर आ रहा होता है आपको। तो आज हम ये देखेंगे कि हम पैराग्राफ को ऑन क्लिक फंक्शन को यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन को यूज़ करके किस तरह उसको लार्ज कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ अपना मेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी आईडी बना देता हूँ। यहाँ पे आईडी चैनल के नाम से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, जिसमें मैं अपना चैनल की कुछ डिस्क्रिप्शन लिखूंगा यहाँ पे। और उस पैराग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पैराग्राफ में लिख रहा हूँ माय चैनल name is programming mode dot my video is related to programming dot, और इतना मैंने लिख दिया है, ये देखें dot मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आईडी बना दी है पैराग्राफ की। अब इसके आगे जो मुझे जो आगे क्या लिखना होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि इसके आगे लिखा हुआ होता है सी मोर, ठीक है, सी फॉर मोर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे लिंक बना रहा हूँ, लिंक बना रहा हूँ, और इसमें मैं जावास्क्रिप्ट डॉट वॉइड, और यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, जीरो जावास्क्रिप्ट और जीरो पास कर रहा हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसका जो मैंने जावास्क्रिप्ट वॉइड जीरो लिखा है, ये क्या होता है कि रिटर्न हमारे पास क्या हो, कुछ वाइट क्या होता है, रिटर्न जीरो होता है। जैसे वाइट जो होती है वो, उसमें रिटर्न हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं अगर क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्या रख रहा हूँ, ये सही तरह समझिएगा आप कि हम वाइट यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में वाइट क्या होता है, जिसपे रिटर्न कुछ भी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वो फंक्शन ही। अगर मैं कोई यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, ऑन क्लिक फंक्शन बना रहा हूँ, ऑन क्लिक अगर मैंने फंक्शन बनाया तो वही यहाँ पे रन होगा, इसके अलावा कुछ भी हमारे पास शो नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट रिटर्न जीरो, मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। याद रखिएगा वाइड में क्या होता है, रिटर्न जीरो होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होता, सिर्फ हमारे पास ऑन क्लिक का फंक्शन चलेगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैं फंक्शन का नाम क्या बना रहा हूँ, एक्सपेंड पैरा के नाम से। मैंने एक फंक्शन क्या बनाया, एक्सपेंड पैरा के नाम से बनाया। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा तो एक्सपेंड पैरा आपके पास, जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो, कौन सा इवेंट कॉल हो जाएगा ऑन क्लिक का, और कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक्सपेंड पैरा का। मैं भी जावास्क्रिप्ट में एक्सपेंड पैरा का फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। अब होगा क्या आप देखिएगा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ अपना। फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया है, फंक्शन एक्सपेंड पैरा। ये मेरे फंक्शन जो मैंने वहाँ बनाया था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ वार पैरा के नाम से, और इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ अपना, जैसे मैंने यहाँ कहाँ तक लिखा था अपना, मैंने कहाँ तक लिखा था अपना पैराग्राफ, रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ आई एम अ आई विल मेक मोर वीडियोस related to JavaScript, CSS and HTML from a bootstrap, from a React.js, etc. ठीक है, मैंने ये ऐड कर लिया अपना, एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें ये वैल्यू मैंने ऐड कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या थी पैराग्राफ की, यहाँ पर आईडी क्या थी, चैनल की मैंने आईडी बनाई थी। मैं यहाँ पे चैनल की आईडी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे,
और क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उसे, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या कर दो, अच्छा मुझे इसके बराबर में ये भी पेस्ट करना होगा, एक मिनट, हाँ ये चीज़ भी मुझे पेस्ट करना, क्योंकि मुझे ये भी तो शो करनी होगी, इसके इसके नीचे वो शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रीपीआर का टैग यूज कर लेता हूँ, पीआर जो होगा उससे हमारी जो है लाइन ब्रेक हो जाएगी, वो जो मैंने दूसरा लिखा वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी नहीं लिखना आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, पैरा लिखना है, तो आपने पैरा में सारी वैल्यू स्टोर कराई हुई है, सारा पैराग्राफ आपने एक्सपेंड कराया, पैराग्राफ वो आपने पैरा के वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है, तो देखना एक्सपेंड वैल्यू सही लिखी है मैंने, एक्सपेंड पैरा। ठीक है, यहाँ पर सी फोर मोड हमारा जो है वो सिंपल हमने एक तरह से बना लिया है। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, माय चैनल इज प्रोग्रामिंग मोड, माय वीडियो इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग मोड। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, चलिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखने क्या देख रहे हैं, पैराग्राफ तो हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है लेकिन आ रहा है और जा रहा है, मतलब वो हमें एक्सटेंड पूरा करके नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने जो प्लस लगाया था उसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, तो इसको ऐसे एरर आ सकता है आपका। ठीक, प्लस नहीं लगाएगा यहाँ पे, आपको एचटीएमएल में वाइड देना है, जावास्क्रिप्ट वाइड। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था आपसे कि आपको ऑन क्लिक की जगह आप दूसरा इवेंट भी यूज कर सकते हैं, ऑन क्लिक की जगह आप दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑन माउस का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ऑन माउस ओवर का, और माउस ओवर जैसे ही माउस उसके ऊपर आए सी फोर मोर के ऊपर, तो ये हमारे पास पैराग्राफ एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराग्राफ को रीलोड करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही मेरे पास माउस आया तो क्या हो गया, जैसे ही मेरे पास माउस आया और ये पैराग्राफ एक्सटेंड हो गया, समझ में आ गया आपको। मैं वापस रीलोड करके दिखा देता हूँ आपको, अभी देखिए हमारे पास एक लाइन लिखी है, माई चैनल नेम इज प्रोग्रामिंग मोड, माई वीडियो इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, आई विल मेक मोर वीडियोस रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट सीएसएस एंड एचटीएमएल बूटस्ट्रैप रिएक्ट जेएस रिलेट ईटीसी। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी अपना ये कि हम किस तरह इवेंट को यूज करके अपना इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।